एवरीवन राजेश चौहान हियर। तो यू नो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरिया वीआर टोकन के बारे में। देखो, ये एक पर्टिकुलर इथीरियम के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है और वीआर जैसे उसका नाम है तो ये एक पर्टिकुलर मेटावर्स के कैटेगरी में आएगा ये प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट का क्या फ्यूचर है और ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में आपको प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे उनकी वेबसाइट, उनके कितने होल्डर्स हैं और क्या ये पोटेंशियल है इन फ्यूचर, ये प्रोजेक्ट कितना एक्टिव है वो भी हम जानेंगे। और थोड़ा बहुत हम बात करेंगे पूरा उसका जो इकोसिस्टम है उसके बारे में भी। तो मेक श्योर आप ये प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो। या फिर देखो, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन और टोकन का प्राइस प्रिडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन की ही बातें करते रहो, सिर्फ इथीरियम की ही बातें करते रहो, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने लाता हूँ जो प्रोजेक्ट में आपको आने वाले टाइम में कुछ फ्रॉड होने वाला है कि नहीं, उसका मैं अवेयरनेस दे दूँ, या फिर आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर में कितना बेनिफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ों के एनालिसिस करके हम प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आपको कितना बेनिफिट मिलता है वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करें। तो मेक श्योर आप अच्छे से ये वाला वीडियो देखो और समझने का ट्राई करोगे विक्टोरिया वीआर जो है ना, इसमें कितना पोटेंशियल है। देखो गाइस, विक्टोरिया वीआर का जो प्राइस है ना, अभी 4 रुपए के आसपास चल रहा है। हालांकि मैं काफ़ी समझ लो कि लेट हूँ ये प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, बट फिर भी ये प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा जान है, पोटेंशियल भी ज़्यादा दिख रहा है एज पर द प्रोजेक्ट का जो अभी हम एनालिसिस करेंगे आपको भी पता चलेगा। क्योंकि 3-4 महीने पहले ये प्रोजेक्ट का प्राइस 1 रुपये के आसपास चल रहा था, अभी 4 रुपये के आसपास है, बट उसका जो ऑल टाइम हाई है वो 40 रुपीज़ के आसपास है। यानी कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है और उससे आगे भी 10x जाने का पॉसिबिलिटी है। कैसे ये पॉसिबल है वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये उनका वेबसाइट है। देखो, विक्टोरिया वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, और वर्चुअल रियलिटी कनेक्टेड टू द मेटावर्स। ठीक है, आपको पता ही है ना, एप्पल ने भी एक उनके वीआर हैंडसेट अभी लॉन्च किए, राइट? तो उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज वीआर हैंडसेट लॉन्च करने वाली है। तो विक्टोरिया वीआर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड एक फ्यूचर है, बहुत सारे लोग वीआर और डिजिटल पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होने वाले आने वाले टाइम में। तो जो लोग विजनरी लोग हैं, जो फ्यूचर का सोच के बैठे हुए हैं, उनके लिए ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ना, काफ़ी फैसिनेटिंग लगेगा। और उनके लिए ये प्रोजेक्ट में जो दूर का सोच रहे हैं ना, दूर की सोच रहे हैं, उनके लिए ही ये प्रोजेक्ट है। बट जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में 1 महीने के बाद मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 4 मतलब ट्रिपल हो जाएगा, तो वो लोग है ना दूर रहे ये प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि जिस तरह से पावर्ड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटेल, ब्लेंडर, एनवीडिया, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके थ्रू ये बना हुआ प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पार्टनर्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पर डेल है, डोमिनेंस है, वेव फाइनेंस है, डाओ मेकर है, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे पार्टनर्स है ये प्रोजेक्ट के। तो इसलिए मेरे को ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करने में थोड़ा बहुत मजा आया। तो फंडामेंटली देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट में जान है, मतलब ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद हम थोड़े बहुत होल्डर्स वगैरह चेक करते हैं। देखो, अभी तो इनिशियली ये इनके जो होल्डर है ना, 11,500 के आसपास उसके होल्डर है। और एक जो चीज है जो कि 50% क्वांटिटी होल्ड करता है एक पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, वो चाहे उनकी टीम से हो या फिर वॉट एवर, वो सारी चीज़ों के बारे में इतना डीप में नहीं गया जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो 50% एक पर्टिकुलर एड्रेस होल्ड करता है तो प्रोजेक्ट में पंप एंड डंप होने की भी कोशिश हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है कुछ बर्निंग के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है बैकएंड में चलती है उसके लिए क्वांटिटी को होल्ड करता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद हम थोड़ा चेक करते हैं कि भाई उसका सोशल मीडिया किस तरह से वर्क करता है। सोशल मीडिया की हमने बात की तो बेसिक सोशल मीडिया है, बट वो लोग काफ़ी अप टू डेट है उनके सोशल मीडिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो उनका मतलब टाइम टू टाइम अपडेट्स वगैरह रहते हैं। एप्पल ने भी जब उनके हैंडसेट के बारे में बात की तो उन्होंने भी यहाँ पे बात की। तो कहीं ना कहीं वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी के साथ ये कनेक्टेड है, तो एज पर दिस प्रोजेक्ट ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपडेटेड है और काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें वो लाते हैं, और उनका जो सोशल मीडिया है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उनकी टीम एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो ला रहे हैं। दैट मीन ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से लाइव चल रहा है। ठीक है, तो देखो थोड़ा बहुत हम टेक्निकली भी देखते हैं। तो देखो गाइस, जिस तरह से $0.2 से ये प्रोजेक्ट गिरता 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 2022 से लेके 2023 काफ़ी अच्छा सफ़र किया उसने, उसके बाद अभी से उसने पंप करना चालू कर दिया। यानी कि अभी 0.04 या 0.05 के आसपास अभी चल रहा है, यानी कि अभी ये
अब ट्रेंड लेना चालू होगा, यानी कि अभी समझ लो कि दौड़ती ट्रेंड के ऊपर हमको बैठना है और फिर आगे की मुसाफिरी को तय करना है, ऐसी चीजें हो जाएगी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट में अभी जिस तरह से पंप हुआ है ना, देखो ये प्रोजेक्ट काफी अच्छे से लास्ट एक महीने से मैं बोलूँ ना तो काफी अच्छे से पंप हुआ है, राइट। और वापस से वो 2-3 रुपए के आसपास आपको मिलता है ना, तभी अच्छे से ग्रैब कर लेना, काफी अच्छी प्राइस पॉइंट रहेगी। और जिस तरह से उसकी जो मार्केट रैंक है 176, उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट में काफी अच्छी जान है, जो टॉप 100 के आसपास भी देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो विक्टोरिया वीआर जो कि आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंट आपको डालना है वो आपका डिसीजन है, कि आपके आपकी जो हार्ड अर्न मनी जो है ना भाई, तो थोड़ा बहुत आपका भी दिमाग यूज़ करना। ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। दूसरे भी यूट्यूबर के वीडियो देखो, उनका क्या नज़रिया है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जानो, उसके बाद आपकी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये है मेरा एनालिसिस अबाउट विक्टोरिया वीआर। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।